वेलकम टू चैतीस कुकिंग। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा नया ओटीजी आ चुका है। तो आज ओटीजी का अनबॉक्सिंग वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, उसी के साथ साथ बनाएंगे एक केक। तो हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ये फिलिप्स का 25 लीटर वाला ओटीजी है और आप यहाँ देख सकते हैं कि पैकेजिंग कितना अच्छा है। 3 बॉक्सेस है ओटीजी के बाहर। बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि कबाब, तंदूरी, केक, पिज़्ज़ा ये अब बिना झंझट का झट से बन जाएगा। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ आता है 3 ट्रे और यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड। अब तक यूज़ करके मुझे जो फीलिंग आया है, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आज इसमें बनाएंगे एक बिस्किट वाला केक। इसमें मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके का 5 से 6 बिस्किट पैकेट हम ले लेंगे और फिर इसको मिक्सर जार में डाल के एक पाउडर बना लेंगे। अब तैयार कर लेंगे केक टिन। तो इसमें हम पहले ऑयल ब्रश कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे मैदा और मैदे को चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। आप यहाँ बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं जनरली यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ। अब बिस्किट पाउडर में हम डालेंगे दूध। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे ताकि एक स्मूथ बैटर हम तैयार कर पाए। अब डालेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। केक में थोड़ा फ्लेवर लाने के लिए हम ये डाल रहे हैं ताकि केक पूरा बिस्किट जैसा ना लगे। डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा दूध और दूध डालने के बाद इन सब को एक साथ मिला लेंगे और बैटर को तैयार कर लेंगे। अब पहले से तैयार करके रखा हुआ केक टिन में हम डाल देंगे बैटर को। इसी बीच ओटीजी को प्रीहीट कर लेना है। यहाँ पर प्रीहीट का ऑप्शन है जिसमें 10 मिनट तक ये प्रीहीट हो जाएगा। उसके बाद इस केक टिन को हम डाल देंगे ओटीजी में और सेट कर देंगे बेक वाला ऑप्शन, जहाँ पे टेम्परेचर रहता है 180 डिग्री और टाइम रहता है 30 मिनट्स। बस अभी केक बन के बिल्कुल रेडी है। साइड से इसको थोड़ा अलग कर लेंगे और थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा सॉफ्ट यम्मी सा केक बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।